नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टे लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम रक्त संबंधी प्रश्न लेकर आए हुए हैं, तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है ऋचा और रूपेश। ऋचा और रूपेश सुमित की दो संतान है। सुमित की दो संतान है, एक का नाम है ऋचा और दूसरे का नाम है रूपेश। रूपेश के पिता सुमित हैं। यहाँ पर तो बताया गया है कि सुमित की दो संतान है, तो जाहिर सी बात है कि रूपेश के पिता कौन होंगे? सुमित। और ऋचा के भी पिता होंगे सुमित, परंतु ऋचा सुमित का बेटा नहीं है। यहाँ पे बता रहे हैं कि ऋचा जो है वो सुमित का बेटा नहीं है। ऋचा सुमित से किस प्रकार संबंधित है? तो सुमित यहाँ पे हम लिख लेते हैं सबसे पहले। और सुमित की कितनी संतान है? सुमित की दो संतान है, एक है रूपेश और एक है ऋचा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऋचा और रूपेश जो है वो सुमित की दो संतान है। दो संतान हो गई। रूपेश के पिता, मतलब रूपेश के पिता कौन है? सुमित है। मतलब ऋचा के भी पिता क्या कौन है? सुमित है। वे बोल रहे हैं कि परंतु ऋचा सुमित का बेटा नहीं है। सुमित का बेटा नहीं है मतलब वो इसकी क्या होगी? बेटी होगी, पुत्री होगी। तो ऋचा सुमित से किस प्रकार संबंधित है? तो बेटा नहीं है मतलब वो उसकी क्या है? बेटी है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू।